हाँ तो मेरे जूनियर एस्ट्रोनॉमर फ्रेंड्स, लेट्स टुडे हैव अ थॉट एक्सपेरिमेंट। अ थॉट एक्सपेरिमेंट अबाउट फॉलिंग इनटू अ ब्लैक होल। अगर मैं ब्लैक होल में गिर जाता हूँ जाके, तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे साथ क्या होगा? अगर कोई बाहर से कोई उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कैसा लगेगा? और अगर मैं खुद वो ट्रेवलर हूं जो ब्लैक होल की साइड जा रहा है, तो मुझे कैसा लगेगा? लेट्स हैव दिस थॉट एक्सपेरिमेंट टुडे इन दिस वीडियो। तो मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, एंड टुडे वी आर जस्ट हाइपोथेसाइजिंग अबाउट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसको चालू करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक होल है क्या चीज। मानो अपने काफी वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट पे देख लिए ब्लैक होल के बारे में, बट स्टिल ब्लैक होल से अभी भी मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में जो इमेज बनती है कि भाई एक फ्लैट सर्फेस पे गहरा गड्ढा है, जैसे कि कोई कुआं हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम चल रहे हो कुएं में गिर गए तो मैं बोलूंगा अरे यार ब्लैक होल में गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं है ब्लैक होल। एक्चुअली इसको समझना चाहें अगर अपन, तो इस फिगर को मैं देखूं तो यहां पे आई कैन सी इट्स अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग पुट हियर। एकदम काला है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक होल कह सकता हूं जब इससे रोशनी भी बाहर ना आ पाए, यानी इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाए कि ये जो लाइट इसके ऊपर जा रही है उसको वापस कभी भी ना आने दे। कैसे? अपन ने इस वीडियो में देखा था कि अगर अर्थ को पूरी इतनी बड़ी भरपूर बड़ी अपनी अर्थ जो है इसका मास तो उतना ही रखा जाए, लेकिन इसके साइज को छोटा करके पिंग पोंग बॉल जितना कर दिया जाए, जहां पे है जिस ऑर्बिट में है सन के चारों तरफ, उसी ऑर्बिट में उसी पॉइंट पे जहां पे अभी अर्थ है, बट रिप्लेस इट विद सच अ बिग ब्यूटिफुल अर्थ जस्ट अ पिंग पोंग बॉल ऑफ द मास दैट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, तो मुझे उस पॉइंट पे ब्लैक होल मिल जाएगा। यानी क्या होगा वहां पे? ये होगा कि उस पॉइंट के चारों तरफ की जो ग्रेविटी है वो इतनी इमेंस हो जाएगी कि अगर सूरज की रोशनी उस पिंग पोंग बॉल पे गिरी तो वहां से वापस नहीं आएगी, रेदर वो उसी के अंदर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक होल बन गया है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वहां पे कोई गड्ढा बन गया है जहां पे अगर कोई और एस्ट्रॉइड आया या कोई और स्पेस शटल आया तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। नहीं, जस्ट थिंक ऑन दैट लाइंस कि मान लो ये अर्थ है, ब्लैक होल बना दिया मैंने इसको छोटा पिंग पोंग बॉल साइज का, यानी दिस मच, इवन स्मॉलर देन दिस, एंड जो मेरी स्पेस शटल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मान लो वो ऑर्बिट कर रहे हैं, जो सैटेलाइट है वो भी ऑर्बिट कर रही हैं इसके चारों तरफ, ठीक है, दे आर जस्ट गोइंग अराउंड दिस पर्टिकुलर ब्लैक होल अर्थ, छोटी सी जो ब्लैक होल अर्थ है। अगर अब तुम इसको देखना चाहो, जस्ट विजुलाइज करो, तो होगा क्या? अगर तुम इसकी साइड आओगे तो अभी अपनी अर्थ बहुत बड़ी है, तो यहां पे अगर कोई स्पेस शटल आके वापस रीलैंड करता है, जब एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग होती है वापस, तो दे जस्ट गेट द ग्राउंड टू लैंड ऑन, और वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर ये मेरी अर्थ है और ये मेरा साइज है एस्ट्रोनॉट का, जब मैंने इसको छोड़ा था तो ये एक बड़ी अर्थ थी, और मैं बैक कुछ ऐसा हुआ कि स्क्वीज होकर पिंग पोंग बॉल बन गई। अब जब मैं इसमें वापिस आऊंगा तो मैं लैंड कहां करूंगा? आई कांट स्टैंड ऑन द पिंग पोंग बॉल। व्हाट अबाउट माई शटल? सो लेट स्टार्ट दिस, देखिए विजुलाइज करें। तो मान लो कि मैं एक स्पेस शटल में जा रहा हूं, राइट, और एक ब्लैक होल है, मेरे को दिख नहीं रहा है, बट देन द ब्लैक होल ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट्स पुलिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ, और आई यूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मैं जस्ट शटल के बाहर निकल गया अपना सूट वूट पहन के कि यार ब्लैक होल में जाने से बचना है, लेकिन मेरी शटल जो है वो ब्लैक होल की साइड जाए जा रही है। क्या होगा? मेरी शटल के ऊपर कुछ चीजें अपन फिक्स कर देते हैं, जैसे उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, मान लो, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है दैट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की रोशनी छोड़ रहा है, ठीक है, क्यों अपन देखेंगे। तो जैसे जैसे मेरा स्पेस शटल ब्लैक होल की साइड जाएगा, व्हाट विल हैपन? नंबर वन, वो डिस्टोर्ट होता मेरे को दिखेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल तो स्पेस टाइम को ही बिगाड़ रहा है, यानी जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, कॉन्टोर्ट हो रही है, और वो मेरे को फिर मिल रही है, पहली चीज। दूसरा, जो स्पेस शटल जैसे जैसे इवेंट होराइजन के पास जाने लगेगा, धीरे धीरे उसके पास पहुंचने लगेगा, तो मेरे को लगेगा कि वो स्लो मोशन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्पेस टाइम के हिसाब से मेरे को क्या हो रहा है, वहां पे और मेरे बीच में जो टाइम है वो धीरे हो जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात, जब वो इवेंट होराइजन पे पहुंच जाएगा मेरा स्पेस शटल, तो मेरे को लगेगा कि किसी ने उसको पॉज कर दिया है, और वहां पे इवेंचुअली धीरे धीरे वो जस्ट यू में से कि इवेपोरेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और क्वांटम इफेक्ट्स के चलते वो हॉकिंग रेडिएशन में कन्वर्ट होके गायब हो जाएगा। जो ब्लू लाइट थी जो उस पर चमक रही थी,
जब वो मेरे को मिल रही होगी तो मेरे को ब्लू दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ब्लैक होल के पास पहुंचेगा मेरा शटल, वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ब्लू लाइट मेरे पास तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है रेड में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है और भी छोटी फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट हो जाए। ये भी अपन ने इस वीडियो में देख लिया था। सो दैट्स वॉट इज हैपनिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर साइड टू समथिंग दैट इज गोइंग इन टू द ब्लैक होल। लेकिन मान लो जस्ट इसका अपोजिट होता है, मैं बचना चाहता हूं ब्लैक होल से, लेकिन मैं जब कूदता हूं स्पेस शटल के बाहर तो ब्लैक होल की ग्रेविटी मुझे अपनी साइड खींच रही है, और मेरा जो स्पेस शटल है उस पर कैमरा लग रहा है जो इस सबको देख रहा है। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या होगा? सो इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एज द पर्सन और द पैसेंजर गोइंग टूवर्ड्स द ब्लैक होल, कुछ ऐसा होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बोला कि भाई अगर आप फ्री फॉल में हो, फ्री फॉल मतलब अगेन कम बैक टू द एक्सपेरिमेंट जो अपन बात कर रहे थे थॉट प्रोसेस की, कि अर्थ है और स्पेस क्राफ्ट है, शटल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो अगर कोई चीज फ्री फॉल हो रही है, अर्थ की ग्रेविटी में अगर गिर रही है अर्थ उसको पुल कर रही है, सो इट्स सिंपल अ फ्री फॉल। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बोला है कि फ्री फॉल जो है वो एक हैप्पी थॉट है, यानी फिजिक्स के रूल वही है जो सदा रहेंगे। तो अगर एक ब्लैक होल की साइड में जा रहा हूं तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है कि मैंने पूरे अर्थ के मास को एक पिंग पोंग बॉल में छोटे से में बंद कर दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर दिस इज द सिचुएशन, देन व्हाट विल हैपन? आई एम जस्ट हैविंग अ फ्री फॉल। बट अगर मेरा ब्लैक होल छोटा है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं स्फेगेटिफिकेशन, यानी जो मेरे पैरों, लेट्स से आई एम गेटिंग इन, ये मेरे पैर हैं, इधर मेरा सर है, तो पुल ऑफ ग्रेविटी मेरे पैरों को खींच रही है ज्यादा, सर पे ग्रेविटी का पुल कम है, और मैं खिंचता जा रहा हूं, इवेंचुअली मैं खत्म हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बाद में मेरा एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूंगा? सो आई जस्ट डोंट वांट टू डाई। सो लेट्स अज्यूम अपना ब्लैक होल बड़ा है, मिलियन टाइम्स मैसिव देन सन है, यानी ग्रेविटी में जो स्फेगेटिफिकेशन वाला जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा अपन उसको कम कर देते हैं, यानी मेरे सिर और मेरे पैर के बीच में ग्रेविटी का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आई एम जस्ट सेलिंग इनटू इट, मैं अंदर जाए जा रहा हूं ब्लैक होल में, हैप्पी थॉट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन सर के जैसे हैं, और इवेंचुअली मैं पार कर गया, मैं आगे जाए जा रहा हूं। और ब्लैक होल में होती है सिंगुलैरिटी, कहते हैं कि ब्लैक होल का जो एंड पॉइंट है जहां पे ब्लैक होल है वहां पे सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम तो जीरो है बट वहां पे मास बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो जब मैं ब्लैक होल से पलट के देखूंगा बाहर की साइड, तो नाउ आई एम इनसाइड द ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी लाइट को खींचेगी, एनर्जाइज करेगी, तो बाहर कैसा भी कोई भी रंग हो उन सबका ब्लू शिफ्ट होगा। तो अगर मेरा स्पेस शटल जो है उस पर अगर लाल रंग का बल्ब लगा हुआ था, मैं उसको पलट के देखूंगा तो वो लाल रोशनी मेरे तक पहुंचते पहुंचते ब्लू हो जाएगी या फिर और हायर एनर्जी में चली जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अब मैं टाइम की बात करूं तो जब मैं बाहर से देख रहा था तो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे चीजें पॉज हो गई थी, अब मैं अंदर से अगर देख रहा हूं तो मुझे लगेगा कि एवरीथिंग इज जस्ट रनिंग फास्ट फॉरवर्ड, सब कुछ टाइम निकल गया है, क्योंकि मेरे टाइम में और ब्लैक होल के टाइम में बहुत डिफरेंस है। और हो सकता है कि मैं ब्लैक होल के अंदर जाऊं, यू नेवर नो, मैं किसी बुक शेल्फ के पीछे नॉक करने लग जाऊं, तो यू जस्ट नेवर नो दैट, राइट? बट एक्चुअली होगा क्या ब्लैक होल के अंदर? तो ब्लैक होल के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी जो बात आती है ना, जहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो है सिंगुलैरिटी पॉइंट का। सिंगुलैरिटी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर रिलेटिविटी की जो इक्वेशंस थी वो फेल हो जाती है मैथमेटिकली। अपन देखें तो फेल होने का मतलब क्या, उसको अपन देखें तो इसको समझने के लिए अपन एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। कैसे? अपने को पता है कि अगर किसी भी चीज को उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो गया तो वो चीज टूट जाएगी। बहुत सारे तुम वीडियोस देखोगे, तुमको इंटरनेट पे मिलेंगे, ब्रिज के ऊपर मार्च पास्ट कर रहे हैं सोल्जर्स, बहुत तेज आंधी चल रही है तो ब्रिज एकदम तेज तेज हिलता है और टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे तुमको वीडियोस मिलेंगे कि जब रेजोनेंस हो गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। बट मैथमेटिकली मैं फिजिक्स की बात करूं, क्लास 11th में फिजिक्स में जो अपन पढ़ते हैं, मैंने एक स्ट्रिंग ली, दोनों साइड से टाइट बांध दी और उसके अंदर मैंने वेव सेट इन करी। वो जो वेव है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मीट कर जाती है, मैच कर जाती है, then it is expected कि जो amplitude है वो infinite हो जाएगा। Now what does that mean? That means कि जो मेरे particles हैं उस string के, उनका amplitude जो है, जो disturbance है, that will go beyond the atmosphere of the earth, towards the moon, crossing the moon, going out of the solar system, भाई infinite amplitude है ना, and then coming back again। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, उससे पहले वो string तेज तेज हिलेगी और shatter हो जाएगी। Now something like that is expected at singularity। तो अब ये बताओ भाई, सिंगुलैरिटी वाले उस पॉइंट पे मेरे को बताएगा कौन? क्योंकि देखो, जो अंदर गया अगर कोई तो उसकी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, इंफॉर्मेशन है नहीं का मतलब
इज इंफॉर्मेशन लॉस्ट. क्वांटम मैकेनिकली मैं कहूं तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो नहीं सकती. रिमेंबर द स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि भाई कुछ तो ऐसा है कि मैं यहां पे चेंज करूं तो वहां का मेरे को प्रिडिक्शन मिल जाएगा. समझने के लिए देखें दोस्तों इसको. तो अपन देखते हैं कि जब एक सबशेल में अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक अगर अप है तो दूसरा डाउन होगा, राइट. यानी अगर मेरे को एक सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि उसका अप एरो है, तो मैं पहले ही बता सकता हूं कि अगर इसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एरो डाउन होगा, समथिंग लाइक दैट. अगर मैं इसी को थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं और अप्लाई करता हूं तो व्हाट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्प्रोन आउट, थ्रोन आउट ऑफ द ब्लैक होल, किंग्स रेडिएशन की फॉर्म में अपने को मिलती है, वो कैसी इंफॉर्मेशन है? उसका भी तो एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल है. व्हाट विल हैपन टू दैट? जहां पे कहते हैं भाई ये क्वांटम एंटेंगलमेंट की साइड की चीज है कि अगर मेरे को एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता है तो मैं दूसरे पार्टिकल की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं. बट दूसरे पार्टिकल का होगा क्या? क्यों? क्योंकि सिंगुलैरिटी वाले पॉइंट पे तो मेरे को यही नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन वहां पे ऑपरेट हो रही है. वहां पे आता है दोस्तों एक नया थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी. नेचर में जो तीन चार बड़े फिनोमेना है जिसमें से एक कॉस्मोलॉजी है और ये बड़ा जो एक्सपेंस है यूनिवर्स का, इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करती है रिलेटिविटी की थ्योरी. लेकिन बचे हुए जितने भी फिनोमेना है, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूं या मैं और कोई फिनोमेना की बात करूं, वहां पे क्वांटम ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग पकड़ के बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लेनेशन को. बट एट द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी अगर मैं क्वांटम लगाता हूं तो रिलेटिविटी इज एक्सप्लेनिंग एवरी अदर थिंग, तो होगा क्या? तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट अ थॉट एक्सपेरिमेंट दैट इफ यू फॉल इनटू अ ब्लैक होल व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट टू हैपन टू यू. अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.